हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने आधार कार्ड को डाउनलोड कर रखा है और आप लोग सही पासवर्ड डाल करके आधार कार्ड को अनलॉक नहीं कर पा रहे हैं, तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को डाउनलोड किए गए आधार कार्ड के पीडीएफ पर सही पासवर्ड डाल करके अनलॉक करने का सही तरीका बताऊँगा। तो दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखें, बिल्कुल स्किप ना करें। तो चलिए स्क्रीन रिकॉर्ड को चालू करते हैं। इस तरफ मैं स्क्रीन रिकॉर्ड लगा देता हूँ, आप लोग वीडियो को ध्यान से देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने जिस भी फाइल पर आधार कार्ड को डाउनलोड कर रखा है उस फाइल को ओपन कर ले। तो चलिए ओपन कर लेते हैं, डॉक्यूमेंट को ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद आधार कार्ड के पीडीएफ पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद किसी भी पीडीएफ ऐप पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर पासवर्ड डालना है। तो पासवर्ड कैसे डालना है वो भी मैं बता देता हूँ। आप अपने नाम के पहले चार अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखें, यानी कि कैपिटल लेटर में लिखें, और लास्ट में जो भी आपका जन्म का साल है यानी कि ईयर है वो लिख दें। तो जैसे कि अगर आपका नाम राहुल कुमार है तो आप पहले चार अक्षर को बड़े अक्षरों में लिखें और अपने जन्मतिथि के साल को अंत में लिखें। तो चलिए लिखते हैं। तो चलिए मैं अपना वाला लिखता हूँ। डालने के बाद अब ओके कर देते हैं। देख सकते हैं दोस्तों, पासवर्ड डालने के बाद देख सकते हैं अनलॉक हो चुका है। सो फ्रेंड्स, इन सभी तरीके को इस्तेमाल करके आप लोग भी डाउनलोड किए गए आधार कार्ड को सही पासवर्ड डाल करके अनलॉक कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मेरी ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, कमेंट और शेयर करें, और साथ ही जो नए हैं सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं, ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों के पास आती रहे। तब तक के लिए बाय बाय, मिलेंगे अगले वीडियो पर।